ये जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है। राहील 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 ओह माय गॉड राहील 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 तस्कीन तुम आ गई। होश करो राहील, ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी। कुछ नहीं हुआ मुझे, अब तुम आ गई हो ना तस्कीन, सब ठीक हो जाएगा। होश में आओ राहील, मैं तस्कीन नहीं रहमा हूँ। तुम रहमा नहीं हो सकती, तुम तस्कीन हो। तस्कीन आखिर उस चुड़ैल ने तुम पे क्या जादू कर रखा है राहील, तुम समझते क्यों नहीं हो? वो नहीं है तुम्हारी, सिर्फ मैं हूँ तुम्हारी। राहील उठो प्लीज, होश करो राहील, उठो राहील, राहील होश करो प्लीज राहील, राहील आंखें खोलो। क्या हुआ, थक गई हो? अभी तो डिनर भी करना है। तुम बोलती कम हो और सोचती बहुत ज्यादा हो। मेरे अब्बा याद आ रहे हैं, फिक्र नहीं करो उनकी तरफ चले जाएंगे। मैं बोर कर रहा हूं। अच्छा क्या खाना है? कुछ भी, एक्चुअली मैं कम खाना खाती हूँ। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब दो नए लोग एक साथ मिलते हैं तो समझने में थोड़ा वक्त तो लगता है। चलो खाना खाते हैं। आप सोए नहीं अभी तक? पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। हो सकता है कल ऐसन हमारे घर आए। क्यों, उसने तुम्हें आने के लिए कहा है क्या? नहीं, कहा तो नहीं है, मगर उसे तस्कीन के साथ आना तो चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि फूलों के आए। क्यों, अब तो खैर से हमारी बेटी की शादी हो चुकी है, अब हमें किस बात का डर है? क्या हो गया अमना? अगर उन लोगों ने आना जाना रखा तो पुरानी बातें फिर से निकल सकती हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि एहसन भी हमारी तरह इंसान है, अगर वो बार बार आएगा, पुरानी बातें सुनेगा तो इस तरह तस्कीन की जिंदगी पे असर पड़ेगा। मैं तो कहता हूं वो जहां है उसे वहीं रहने दो, वरना तो वो और ना ही हम चैन से रह सकेंगे। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अब मुझमें तस्कीन की शिकायत भरी नजरों का सामना करने की हिम्मत नहीं रही है। क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आ रहा, कहीं और चले? नहीं, मैं देख रही हूँ। अब आप करें।
आशर बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। जी अम्मी, कहें, सुन रहा हूँ आपकी बात। ऐसा कब तक चलेगा? अम्मी, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने उनके साथ वही किया जो वो डिजर्व करती थी। बेटा, मैं फातिमा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे तुम्हारी बात कर रही हूँ। मैं और तुम लोगों से नहीं लड़ सकते हैं। अगर हम उनकी उंगलियाँ उठाने की वजह ही ख़त्म कर दें तो? मुझे पता था सारी बातें फातिमा आंटी से होकर मेरी शादी पर ख़त्म हो जाएगी। तो तुम क्या अब सारी जिंदगी शादी नहीं करोगे? तुम्हारी दुनिया क्या तस्कीन पर ही आकर खत्म हो जाती है? अशर बेटा, दुनिया में और भी बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। मेरा औरत जात से एतबार उठ गया। जितना बड़ा धोखा तस्कीन ने मेरे साथ किया, उसके बाद भी अगर मैं किसी और लड़की से कुछ एक्सपेक्ट करूँ तो ये मेरी गलती होगी। किसी एक के बुरा करने से हम सबको कसूरवार तो नहीं ठहरा सकते ना? मैं भी तो एक औरत हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ अम्मी, कि औरत सिर्फ एक माँ के रूप में ही काबिल भरोसा होती है। तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो? कैसी बातें कर रही हूँ, मैं आप पे ही भरोसा करूंगा तो किस पे करूंगा? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम्हें इस बात का भी यकीन होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी। लेकिन अम्मी, इसका वाहिद हल शादी तो नहीं है। बेटा, शादी बहुत सारे मसाइल का हल होती है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो दुनिया की जबानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। अम्मी, मुझे लोगों को दिखाने के लिए शादी नहीं करनी। ये लोग होते कौन है हमारी जिंदगी का फैसला करने वाले? फैसला कोई नहीं कर रहा बेटा, मैं तो तुम्हें एक राय दे रही हूँ। तुम्हारे पास अब सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि तुम शादी कर लो। एक बुरे एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद भी अम्मी। लेकिन हर तजर्बा बुरा नहीं होता। तुम सोच समझकर, टाइम लेकर फिर मुझे बताना कि तुम्हारा क्या फैसला है। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना कि किसी एक हादसे की वजह से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती और ना ही रुकती है। ठीक है अम्मी। तुम काम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। लेकिन यार, तुझे इन सब के बारे में कैसे पता चला? मुझे रायमा ने बताया था, उसने मुझे कॉल की थी और जब मैं यहां पहुंचा तो जा चुकी थी। रायमा या तस्कीन? रायमा, मेरे भाई रायमा। तस्कीन का चैप्टर क्लोज हो चुका, और मेरी बात मानो, तुम भी तस्कीन को छोड़ के रायमा की तरफ। रायमा और तस्कीन में बहुत फर्क है, और ये फर्क मैं चाहकर भी नहीं मिटा सकता। लेकिन मुझे तो ये न्यूज़ मिली थी कि तुम और रायमा एग्जाम्स के बाद शादी कर रहे हो। हाँ, उसने इंशान को खुद ही बताया था। उसके कहने से क्या होता है? तुझे पता है कि तस्कीन कहाँ है? उसे भूल जा राहिल, अब वो तेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। भूल जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? बस बेटा, सर में बहुत दर्द।
खुद तो मासूम बन गई और मुझे मुजरिम बना दिया। वैसे मुझे तो आप दोनों ही मशकूक लग रहे हैं। तो अच्छो कौन क्यों? आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। क्यों रखूं मैं अपना ख्याल? तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, तो रखो मेरा ख्याल। लेकिन मम्मी मैं सारा दिन ऑफिस में होता हूँ, आप कम से कम मुझे। जब ही तो कहती हूँ कि शादी कर लो, तुम्हारी बीवी आएगी ना तो मेरे साथ साथ इस घर की भी देखभाल करेगी। यानी आप कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे? वैसे ही जैसे तुम हर बात को टाल देते हो। अगर मैं शादी कर भी लूं, इस चीज की क्या गारंटी है कि जो लड़की हमारे घर आएगी वो आपका भी ख्याल रखेगी? बेटा ये तो अपने हाथ में होता है ना, बहू को अगर बेटी बनाकर रखो ना तो वो बेटियों से बढ़कर ख्याल करती है। ठीक है अम्मी। इसका मतलब है कि तुम शादी के लिए तैयार हो? तैयार नहीं अम्मी, मजबूरी है। चलो मजबूरी में ही सही, तुमने एक अच्छा फैसला तो किया। तुम कहो तो मैं खतीजा से बात कर लूं? वो तो आप पहले ही कर चुकी हैं, मुझे आपकी सारी बातें पता होती हैं। क्या करूं बेटा, अब जिंदगी की एक ही ख्वाहिश तो बाकी है, तेरा घर बस जाए तो मैं भी सुकून से रहूं। ठीक है अम्मी, जो आपका दिल करे। आप जिस लड़की से मेरी शादी की बात कर देंगी मुझे मंजूर है। खुश रहे बेटा, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैं अभी खतीजा से कहती हूँ कि भाई रिश्ता लाने में जल्दी करे। अच्छा ये बताएं कि आपने खाना खाया? अरे नहीं बेटा, और अब तो वैसे भी भूख नहीं लग रही, तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी जो सुना दी। अच्छा मैं अभी खतीजा को फोन करके आती हूँ। खुश रहे मेरा बच्चा। हेलो। हेलो बेटा तस्कीन। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी जान। अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी हजारों खुशियां दिखाए। छोड़े अम्मी, अब मुझे अपनी बर्थडे में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि अब मेरे लिए कोई खुशी कोई मायने नहीं रखती। कैसी बातें कर रही हो मेरी जान, शादी के बाद ही तुम्हारी पहली बर्थडे। अरे तुम्हारी बर्थडे थी और तुमने मुझे बताया नहीं। एनीवेज अगर मुझे पता होता तो सबसे पहले मैं ही तुम्हें विश करता और सबसे पहला गिफ्ट भी मेरा होता। थैंक यू, लेकिन मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। कैसे नहीं है, तुम हसन कमाल की बीवी हो, सेलिब्रेशन तो बनता है ना। नहीं प्लीज, अब मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मुझे तो अच्छा लगता है। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं, पहले ट्रीट फिर गिफ्ट। नहीं नहीं, मैंने कहा ना तैयार हो जाओ, मैं अभी चेंज करके आता हूं। बेटा ये बैग तो गाड़ी में भूल आई आप। थैंक यू। बेटा कैसे लगा यहाँ शॉपिंग करना, एंजॉय किया ना? मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया मुझे। लेकिन मम्मी हमने तो हमेशा ये सुना था कि पाकिस्तान कोई ज्यादा अमीर कंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो लोग शॉपिंग पे कितना पैसा खर्च करते हैं, हर शॉप पे कितना रश था। बेटा यहाँ पर रश इसलिए था कि शादियों का सीजन चल रहा है ना। शादी के सीजन? शादी के भी सीजन होते हैं यहाँ? हाँ यहाँ पर शादियों का भी सीजन होता है। एक्चुअली लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी त्यौहार आने वाला हो तो उससे पहले उनके बच्चों की शादियाँ हो जाए, ताकि उनकी बहुएं उनके दामाद इन फेस्टिवल्स में उनके साथ शामिल हो सके। तो क्या वो ऐसे शामिल नहीं हो सकते? नहीं बेटा, मंगनी के बाद यहाँ पर लड़के लड़की का मिलना अच्छा नहीं समझा जाता। ये क्या बात हुई, अगर वो आपस में मिलना चाहें तो?
हाँ मिलना चाहें तो मिल भी सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर ना मिलें तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर लड़का लड़की मंगनी के बाद एक दूसरे से शर्माते हैं। How sweet. कल तुम शादी पर चलोगी ना, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी। मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ काफी पहले आ जाना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पर एनवायरनमेंट कितना डिफरेंट है, और आपको तो पता है मुझे डिफरेंट चीजें कितना अपील करती हैं। अब तुम यहाँ पर आ गई हो ना, तो शादी के बाद इंशाल्लाह तुम्हें पाकिस्तान में ही रहना ना, बहुत एंजॉय करोगी तुम। बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, अपने खूबसूरत से हाथों से मुझे एक कप कॉफी का पिला दो। सिर्फ आपको? मैंने कब कहा है मुझे पिलाओ, अपनी भी बना लो ना। आप फ्रेश हो जाए, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। ठीक है। कुछ नहीं हुआ अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये बात आपको बताई किसने? रायमा ने, अभी उसी का फोन आया था। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत फिक्र करती है तुम्हारी, कहीं तुम्हें पसंद तो। अम्मी जान वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। अच्छा चले मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, मुझे अभी कहीं जाना है। बाद में तुम कहाँ करते हो मुझे फोन, ये भी रायमा ने बता दिया तो मुझे पता लग गया। अब तुम्हें परवाह ही कहाँ है मेरी। अरे मामूली सी चोट है अम्मी, मैं आपको बता के परेशान नहीं करना चाहता था। परेशान तो हूँ ना बेटा, जब तक तुम्हारा घर नहीं बस जाता मुझे सुकून कैसे आएगा। मुझे देर हो रही है अम्मी, शाम को बात करते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अप्पू ने मुझे विश नहीं किया। बीबी जी, ये साहब ने आपके लिए कपड़े भेजे, कह रहे पहन के तैयार हो जाए, इंतजार कर रहे हैं आपका। ठीक है मैं पहन लूंगी, आप रखते हैं। जी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं, चले देर हो रही है। हाँ एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? क्या छोड़ो। कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, अपनी गलती का एतराफ करना है। मैं समझी नहीं। मुझे वाकई नहीं पता था कि आज तुम्हारी बर्थडे है। कैसे पता होगा, आप मेरे बारे में जानते ही क्या है। साथ रहते हैं तो जानना तो पड़ेगा, ताकि हम अपनी खुशियां एक साथ सेलिब्रेट कर सकें। खुशियों को नफरत है मुझसे, और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। मेरे ख्याल में तो खुशियों को पाने का एक ही तरीका है, और वो एक इंसान गुजरे हुए वक्त को याद ना करे, और जिनसे उनका जबरदस्ती सब कुछ छीन लिया जाए वो क्या करे।
ऐसा मेरा दिल घबरा रहा है, ऐसा घर चले प्लीज। उसे मेरी मोहब्बत पर यकीन करना चाहिए था। देख यार राहिल, तू मेरा दोस्त है, इसीलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ। अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला उसे और कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ठंडे दिमाग से सोचो। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे सॉरी नहीं किया, मगर उसने क्या किया? उसने सबके सामने मुझे और मेरी माँ को जलील करके घर से निकाल दिया और मुझे इग्नोर करके और का हाथ थाम लिया। और तुम चाहते हो मैं ठंडे दिमाग से सोचूं? तुम इस शादी से खुश नहीं हो, लेकिन जो भी हुआ वो नॉर्मल हालात में नहीं हुआ। अब शायद मैं इसी वजह से नॉर्मल जिंदगी ना गुजार सकूं। ये तो तुम पर डिपेंड करता है। अंदाजा है मुझे कि ना ही मैं आपकी जरूरत हूं और ना ही मोहब्बत और ना ही इस रिश्ते में मेरी मर्जी शामिल थी। जानता हूं, और मुझे जिस ना करदा जुर्म की सजा मिली है उस बारे में क्या कहेंगे आप? इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। आपकी इसी खामोशी ने मुझे जहन्नुम में धकेला है। मेरी खामोशी ही मेरी मजबूरी है, इसीलिए अब मैं तुम्हें पूरा हक देना चाहता हूं कि तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। बस खुश रहा करो।
पता नहीं ये सब कुछ मैं तुम्हें कैसे बता पाऊंगा। सायरा, समझ में नहीं आ रहा। मैं बात करूं? नहीं, तुम उनके सामने जाओगे ना, क्या पता वो बर्दाश्त ना कर पाए, और अगर कोई बदतमीजी हुई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। थोड़ा वक्त दो, मैं समझा लूंगी उन्हें। मिस्ट्री बंद करो, बताओ यहाँ क्यों आए? आओ तो सही, अंदर चलो। ज्वेलरी शॉप चलो। मैं चाहता हूँ कि तुम रिंग अपनी मर्जी से सेलेक्ट करो। रियली? एसन, मैं इसके लिए अभी प्रिपेयर ही नहीं थी। तो हो जाओ, मैं इससे ज्यादा इंतजार करना नहीं चाहता। मैंने तो अभी पेरेंट्स से भी फॉर्मली कोई बात नहीं की है। अरे वो कर लेना तुम बात, रिंग तो सिलेक्ट करो। मम्मी मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करोगी सायरा? आयान खुश शक्ल है, दौलतमंद है, 15 साल से बाहर है, और तुम्हारे डैड के दोस्त का बेटा है। लेकिन मैं उस शख्स को बिल्कुल नहीं जानती, उसकी पसंद नापसंद को नहीं जानती, तो मैं कैसे कर लूँ उसे शादी? बेटा यहाँ पर ऐसा ही होता है, शादी के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे को जानते हैं। मम्मी लेकिन आप जानती हैं मैं एहसन से प्यार करती हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। वैसे भी आप ये भी जानती हैं कि मैं हर एक के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती, मुश्किल से तो मेरे फ्रेंड्स बनते हैं, मैं कैसे गुजारूंगी जिंदगी एक अजनबी इंसान के साथ? सायरा ज्यादा बहस मत करो प्लीज। मम्मी मैं जानती हूँ सायरा कि तुम एहसन से शादी करना चाहती हो, लेकिन ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? जिंदगी तो मुझे गुजारनी है ना। तुम्हारे डैड फैसला कर चुके हैं, बेहतर यही है कि तुम अपनी जिद छोड़ दो। प्लीज मम्मी। बस फैसला हो चुका है, तुम आयान के साथ जहनी तौर पर शादी के लिए अपने आप को तैयार कर लो। तुम जानते हो उसे? एक दो बार मिली हूं, जानती नहीं हूं। जानती नहीं और शादी करने चली हो उससे? अगर हम अभी निकाह कर लेते हैं तो कभी ना कभी तो ये लोग मान जाएंगे ना, और जिंदगी भर के लिए अपनी फैमिली से कट जाऊं मैं। I can't। तो मुझसे दूर रह सकती हो तुम? नहीं,
तो फिर कुछ नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकती, शायद शादी हमारी किस्मत में है ही नहीं। कि मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करूंगी। एक बार फिर सोच लो, जितना टाइम चाहिए ले लो, सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। आवाज़ें सुनता है भी। खाना लगा दो। अभी नहीं बीबी, कुछ तो खा लिया करें, उस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बीबी एक बात पूछो, नाराज तो नहीं होंगी? बीबी लवजह नाराज नहीं होती। अच्छा ये बताएं, आप साहब से डरती हैं या शर्माती हैं? क्यों, वैसे आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है आप साहब से शर्माती हैं। मेरी माने तो आप साहब के साथ साथ रहा करें, खास तौर पर उस वक्त जब वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हों। तो फिर ये आपसे साहब ने ही कहा होगा, है ना? नहीं बीबी, कसम ले लें, साहब ने एक बार भी नहीं कहा। ये तो मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कह रही हूँ। फिर अपने तजुर्बे अपने पास ही रखिए। ये जख्म है।